जब पूरा देश डीजल और पेट्रोल की महंगाई से मार से त्राही त्राही कर रहा है, उसी बीच बिहार के लाल ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। आपको बता दें कि कचरे से उन्होंने डीजल और पेट्रोल बनाने का एक मशीन तैयार किया है, जहां पे हम मौजूद है। ये जगह है मुजफ्फरपुर खरौना डीह। यहां के एक मंगलम जी हैं जिनका पूरा नाम आशुतोष मंगलम है। आप देख सकते हैं कि कचरे की ढेर से पेट्रोल और डीजल ये बनाने का दावा किए हुए हैं। और ये मशीन है, आप देख सकते हैं सामने मशीन है। कैमरामैन को कहेंगे कि वहाँ फोकस करें और दिखाए कि यही वो मशीन है जिससे डीजल और पेट्रोल बनाया जा रहा है। और इधर ये कचरा है जो कि ये नगर निगम से 6 रुपये प्रति किलो के मूल्य से ख़रीदते हैं और इसे डीजल और पेट्रोल में इस मशीन के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी। आप देख सकते हैं ये एक वहाँ पे एक बैनर लगाया हुआ है जिस बैनर पे इन्होंने लिखा हुआ है इस प्रोजेक्ट का नाम ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी डील्स इन प्लास्टिक और फ्यूल प्रोडक्शन एंड इनोवेटिव मशरूम फार्मिंग। एड्रेस है खरौना डी मुजफ्फरपुर। और हमारे सामने है वो मशीन जिस मशीन से कचरे की ढेर से डीजल और पेट्रोल बनाई जा रही है। इस डीजल और पेट्रोल बनाने वाली मशीन को जिन्होंने बनाया है उनका नाम आशुतोष मंगलम है। उनकी पूरी टीम ने कड़ी मेहनत से इस मशीन को तैयार की है। साथ आशुतोष मंगलम जी हैं जिनकी पूरी टीम ने मिल के इस मशीन को तैयार की है। आपको बता दें कि कचरे की ढेर से ऐसे ही नगर निगम परेशान है, उसको जलाने पर भी काफ़ी प्रदूषण होती है। और नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या ये कूड़े करकट है, और इन्होंने ये चीज़ बना दिया है कि उस कूड़े करकट से जिस समय देश में पेट्रोल और डीजल की महंगाई से पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है, उस बीच मात्र 6 रुपये के कचरे से 70 रुपये प्रति लीटर बिकने वाला डीजल और पेट्रोल इन्होंने दावा किया है कि बना है। आइए हम इससे इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये आपने मशीन तैयार की है, इसमें कितने लोगों ने मिलकर इस मशीन को तैयार किया? बेसिकली हमारी 7 लोगों की टीम है। मैं, मोहम्मद हसन, सुमित कुमार, अमन, जिज्ञासु, सुरभि गोस्वामी शिवानी जो इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर हैं, और कीर्ति भूषण भारती जो हमारे मेंटर हैं। हम लोगों की एक पूरी टीम इसको लेकर काम कर रही थी। और उसके बाद 2019 में जब इसका फाइनल ट्रायल किया गया था तब इसे स्टार्टअप में डाला गया था। और स्टार्टअप में इनक्यूबेट होने के बाद हमें अलग अलग जगहों से इनक्यूबेशन में रिसर्च में जो मदद मिली, उसके बाद जिला उद्योग केंद्र की तरफ से हमें फ़ंड किया गया। परिमल सिन्हा सर ने हमें फ़ंड किया और उसके बाद ये यूनिट स्टार्ट हुई है। यानी इस यूनिट को स्टार्ट करने में गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की है? हाँ, हमें गवर्नमेंट का पूरा सहयोग मिला है। हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी हो गए या जो जिला में अधिकारी मौजूद हैं, उन सब चीज़ों को लिया जाए तो हमारा पूरा सहयोग उन लोगों ने हमें किया है जिससे यह संभव हो पाया है। उन्हीं के सहयोग से यह संभव हो पाया है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की नींव कब डाली गई थी? इस प्रोजेक्ट की नींव तो 2014 में ही डाल दी गई थी जब इसका रिसर्च था। और उसके बाद 2019 में इसका फाइनल ट्रायल हुआ था और फाइनली इसको 2021 में इसका कमर्शियल रन स्टार्ट किया गया। सर, ये आइडिया कहाँ से आया? जब देश में पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही थी, उस बीच आपने कचरे की ढेर से प्लास्टिक से पेट्रोल डीजल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बेसिकली प्लास्टिक को क्रूड में कन्वर्ट करने का जो तकनीक है वो 1947 में ही ईजाद कर लिया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, कार्बन चेन के ऊपर काम करके। लेकिन कार्बन चेन जब हम बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ खास चीज़ों को अगर मिलाया जाए, कुछ खास बदलाव किए जाएं, तो ये संभव है कि ऐसा काम किया जा सकता है। तो जब हमने रिसर्च शुरू किया 2014 में तो हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स थे जिससे हमें पढ़ना था और उन रिसर्च पेपर की मदद लेकर आगे बढ़नी थी। तो उन रिसर्च पेपर्स में से कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिली जो इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई और 2019 के बाद इसका पहला स्टार्टअप प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ। शायद ये देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कचरे की ढेर से डीजल और पेट्रोल बना रही है। ये पहला भी है और ऐसा स्टार्टअप तैयार किया गया है। इसको स्टार्टअप के अंदर हम लोग इसलिए लेकर गए हैं कि एक पूरा चेन तैयार होगा। जैसे बेसिकली जो फार्मर्स की बातें की जा रही हैं, यहाँ से सिर्फ उन्हीं लोगों को, एक तो नगर निगम और वैसे फार्मर्स को हम डीजल मुहैया करा दे रहे हैं जिनके लिए यह सही में संभव नहीं है कि वह 90 रुपये लीटर डीजल खरीद पाएँ, तो वैसे किसानों को पहुंचाया जाए। तो ये एक स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत कि इसकी जगह जगह हर 100 किलोमीटर के बाद अगर ऐसी यूनिट्स लगाई जाएं तो सही में ये बहुत सारे लोगों को मदद देगा, खासकर किसानों को।
अभी अभी से फिलहाल अभी यहाँ से सिर्फ डीजल की उत्पाद की जा रही है। अभी डीजल का उत्पादन इसलिए किया जा रहा है कि अब पटवन का समय आ गया है और अलग अलग जगह पर किसानों को भी इसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो इसलिए इसका उत्पादन अभी डीजल के तौर पर किया जा रहा है। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि कितने वेस्ट मटेरियल में कितने डीजल पेट्रोल निकल जाते हैं यहाँ से? ऑन एन एवरेज अगर एक टन वेस्ट प्लास्टिक है तो 700 लीटर डीजल तैयार हो जा रहा है। यानी कहें तो एक किलो में 700 ग्राम हाँ, एक किलो में 700 मिलीलीटर डीजल तैयार हो रहा है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि उसका प्राइस क्या होगी, जैसे कि आपके यहाँ से जो डीजल पेट्रोल किसान लेके जाएंगे आप नगर निगम को देते हैं, वो क्या प्राइस है? 70 रुपये लीटर में हम लोगों को मुहैया करा रहे हैं। और ये कूड़ा करकट आप नगर निगम से कितने में खरीदते हैं? 6 रुपये किलो में यह प्लास्टिक कचरा नगर निगम से खरीद रहे हैं। एक पूरा साइक्लिक इकोनॉमी तैयार करने का प्लान किया गया है और देखते हैं ये स्टार्टअप आगे कौन कौन सी बुलंदी भगवान के आशीर्वाद से छूता है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट अभी सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही काम कर रही है या और सारे जिलों में और सारे जगहों पे काम कर रही है? स्टार्टअप परफॉर्मा तैयार कर लिया गया है और स्टार्टअप के तौर पर ये अलग अलग जगह जहाँ पर काम करेंगी उनको फाइंड आउट किया जा रहा है और जल्द ही इसकी कुछ यूनिट्स और भी चलाई जाएंगी। अच्छा, ये इस यहाँ से बने डीजल पेट्रोल यानी प्लास्टिक से बने डीजल पेट्रोल कब मार्केट में मिलेंगे, कब आम आदमी इसको खरीद पाएगी? मार्केट में देने से पहले ये किसानों के इस्तेमाल में आ जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो वैसे किसान जिसको इसकी ज़रूरत है उन्हें यह दिया जा रहा है। अच्छा, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस मशीन के बारे में बताएं कि मशीन काम कैसे करती है। जैसे कि मशीन का सिंपल सा एक प्रोसीजर है कि आपको उसको हीट करना है और अलग अलग चीज़ें लगाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पर अपना काम अपने हिसाब से कर रही हैं और उससे जो उत्पादित चीज़ है उसका आपने वीडियो ले लिया है तो वो उत्पादन हो जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मशीन की जानकारी अभी हम इसको बचा के रखना चाह रहे हैं क्योंकि एक स्टार्टअप प्लान है, तो जब प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर तो सबके पास इसका आइडिया आ जाएगा। फिर भी जैसे कि आप इसमें वेस्ट मटेरियल डालते हैं, ये एक रिएक्टर है जिसमें वेस्ट मटेरियल हमें डालना है, इसको पैक कर देना है और उसको हीट करना है और आपका बाई प्रोडक्ट अंत में पूरी तरीके से और वहाँ से वो जो ये सिस्टम जो बनी है यहाँ से डीजल और पेट्रोल जो है वो निकलती है, ये तो वहाँ से जो आपका आखिरी पॉइंट है वहाँ से वो फिनिश प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। अच्छा, ये कुछ इसका साइड इफेक्ट भी है या जैसे कि हम लोग वेस्ट मटेरियल को यहाँ हीट करते हैं तो इससे कुछ ऐसा चीज़ भी निकलेगा जिससे हानिकारक हो? नहीं, ऐसा कोई चीज़ इसमें से निकलना नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से वैकम के अंतर्गत इसको किया जा रहा है, पूरी तरीके से इसको पैक करके वैकम में ले जाकर ये काम को किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। जिस समय पूरी जनता डीजल और पेट्रोल की महंगाई से त्राही त्राही कर रही है उस बीच आपने ये राहत देने वाली काम की है। नहीं, ये तो अभी पहले तो इस स्टार्टअप के अंतर्गत किसानों को थोड़ा फ़ायदा पहुंचाना है, फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसको बड़े पैमाने पर लेकर जाएंगी और हम भी इसको अपने स्तर से स्केल अप जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वही मशीन है जिससे डीजल और पेट्रोल की उत्पाद की जा रही है कचरे के ढेर से। जिस वक्त पूरा देश डीजल और पेट्रोल के महंगाई के मार से त्राही त्राही कर रही है उस बीच कार्य किया गया है और एक बहुत ही बड़ी समस्या जो कूड़े करकट की होती है, जो नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है कूड़े करकट, उस समस्या से भी निजात दिलाने की ये बात कही जा रही है। आप देख रहे हैं आर मीडिया मुजफ्फरपुर से, मैं अनमोल तिवारी। आर मीडिया, सच एक मुद्दा है।